शिमला जिला ग्रामीण कांग्रेस के अध्यक्ष यशवंत छाजटा ने रामपुर ब्लॉक कांग्रेस की बैठक में संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को आगे आने का आह्वान किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों के चुनाव होने जा रहे हैं। ये कार्यकर्ताओं के लिए परीक्षा की घड़ी है। 2022 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए कार्यकर्ताओं के लिए ये परीक्षण भी होगा। उन्होंने कहा कि इसीलिए अभी से कार्यकर्ताओं के साथ साथ लोगों को जुटने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सेब सीजन के दौरान भाजपा सरकार बागवानों के हितों की रक्षा करने में विफल रही है। सेब में स्कैब और दूसरी बीमारियां तेजी से फैल रही है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसी तरह कई ग्रामीण सड़कों की दशाएं खराब हो चुकी हैं, जिनका सुधार करने में सरकार नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि सेब सीजन से 2 महीने पहले ही कांग्रेस के विधायक व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री से मिले थे, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार जागी नहीं है। यशवंत छाजटा ने बताया कि वर्तमान प्रदेश सरकार विकास के नाम पर कोरी घोषणाएं कर रही है और काम के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा है। ये सरकार जो है सेब सीजन के मुद्दे के ऊपर जो है बागवानों किसानों के साथ जो है ना बिल्कुल विफल रही है, जबकि मुख्यमंत्री ने पहले हमारे जितने भी विधायक हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो मुख्यमंत्री जी को मिलने गए थे सेब सीजन से 2 महीने पहले। उन्होंने मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया था कि आने वाला सेब सीज़न में जो है फलां व्यवस्थाएं जो है इसका पहले से जो है इंतज़ाम किया जाए, ताकि सेब सीज़न जो है सुचारू रूप से लोग जो है बिना किसी दिक्कत से जो है वो निपटा सके। लेकिन आज सरकार जो है पूरी तरह से विफल है। चाहे देखिए, हम ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे, विकास तो जनता को दिख रहा है कि विकास किसने किया है। आप रामपुर क्षेत्र की ही बात लो, आज हम रामपुर क्षेत्र में हैं तो भाजपा के लोग जो है यहाँ पे एक कार्य गिना दे जो इनके टाइम में कोई शुरू किया इन्होंने या उसको कंप्लीट किया है या किसी प्रोग्रेस में है। यहाँ पर तो जो राजा वीरभद्र सिंह के सरकार के टाइम के जो प्रोजेक्ट्स चले हुए थे वो भी वहीं पे खड़े हैं, उसमें भी एक ईंट नहीं लग रही है। उसके लिए पैसा भी पूरा सेंक्शन हुआ हुआ था, लेकिन ये सरकार जो है ये बोलती कुछ है करती कुछ है, ये डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं कर सकती, ये पूरी जन विरोधी सरकार है।